खुदावंद के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में नज़ीर टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्शिप द लॉर्ड। वर्शिप द लॉर्ड प्रोग्राम में आशिक भट्टी का आप सबों को सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम नए से नया प्रोग्राम करते हैं तो नए से नए मेहमान, नए से नए गेस्ट यहाँ पे नज़ीर टीवी के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, खुदा के जलाल के लिए बातें की जाती हैं। तो आज आप आज हमारे साथ हमारे प्यारे भाई अच्छे और खुदा के खिदमत गुजार लोग खुदा ने हमें आज प्रोवाइड किए हैं। आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब वकास कमल साहब, जिनका तल्लक चर्च ऑफ पाकिस्तान अस्तबल कलोनी से है। ये बड़े अच्छे अंदाज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के घर की भी खिदमत कर रहे हैं। तो वकास कमल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रहेगा, उससे पहले कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा के हुज़ूरी को महसूस करें। खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन। जलाल से बरे खुदा, तेरी कुव्वत तेरी पावर को चाहते हैं कि तू अल्फा और ओमेगा, अजीम मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। प्यारे खुदा, आज प्रोग्राम के आगाज़ में प्यारे खुदा तेरे नाम से प्यारे खुदा, जबकि हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है प्यारे खुदा, हमें अकल दनाई फहम अता करना ताकि रूह से प्यारे खुदा बातें करें और तेरे जलाल और तेरी खिदमत के लिए प्यारे के खुदा हो सारा इज्जत और जलाल प्यारे खुदा तेरे नाम को मिले। प्यारे खुदा, हमारे मेहमान को तो बरकत देना, कुवत से भरना प्यारे खुदा, ताकि हमेशा ये तेरे लोग तेरे कामों के लिए सर्फ होते रहें और तेरे नाम को इज्जत और जलाते जलाल देते रहें, मसीह खुदा के वसीला से आमीन। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्शिप द लॉर्ड, तो आज हमारे साथ, जैसा कि हमने आपको बताया, तो आज हमसे पूछेंगे कि खुदा अपने बंदों को किस तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा की रूह की ममूरी के बारे में आज हम वकास कमल से जानेंगे। जी वकास भाई, नज़ीर टीवी के प्लेटफॉर्म में वर्शिप द लॉर्ड प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आप वर्शिप और प्रस्तुति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और नज़ीर टेलीविज़न टीम का कि जिन्होंने आज अपने इस प्रोग्राम वर्शिप द लॉर्ड में मुझे मदु किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो मुहीब है और सारा इज़्ज़त और जलाल उसी के नाम को वाजिब है। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस दाऊद का ज़बूर, उस 66 ज़बूर है, उसमें खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ऐ सारी ज़मीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, स्ताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। जी आशिक भाई, जब हम खुदावंद के ज़िंदा और मुकद्दस कलामे से देखते हैं तो मुकद्दस जो दाऊद है, जिसको खुदा ने यह भी कहा कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, तो जो मुकद्दस दाऊद है, खुदा ने क्यों इसको कहा कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया? जब हम दाऊद की ज़िंदगी को देखते हैं तो मुकद्दस दाऊद जो है वो अपनी भेड़ बकरियां जब चराने के लिए जाता था तो वो हमद व स्ताइश किया करता था, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए अपनी आवाज़ को वो इस्तेमाल करता था, हमद व स्ताइश करता था खुदा की। तो जब खुदा की तारीफ़ की जाती है, खुदा की हमद व स्ताइश की जाती है, तो खुदा खुश होता है। तो खुदा इसी बात से दाऊद से बहुत खुश था और खुदा ने फिर इसके लिए कह दिया कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। तो इस यहाँ पे खुदा के कलाम में भी लिखा है कि उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। सारी जमीन को उसने कहा है, पूरी दुनिया को, जितनी भी खलकत है, मुकद्दस दौर के ज़बूर में लिखा है कि ऐ सारी जमीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। खुदा के गीत गाने के लिए हमें चाहिए कि अपने आप को उसके हजूर पेश करें। अगर आपकी आवाज़ खूबसूरत नहीं तो इसका कोई भी मसला नहीं है, आप खुदा से मदद मांग सकते हैं, आप खुदा से कह सकते हैं कि खुदा मैं तेरी प्रस्तुति करना चाहता हूँ, तू मुझे कुव्वत दे, तू मुझे अपने पाक रूह से मामूर कर ताकि मैं तेरी प्रस्तुति कर सकूं। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि खुदा ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुति करे। जब हम खुदा के रूह को दिल से चाहते हैं तो यकीनन खुदा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया, तो जब खुदा अपने बंदों को चुनता है तो यकीनन खुदा रूह का मसा भी देता है। जी बिल्कुल। तो जब आप इबादत में प्रस्तुति करते हैं तो प्रस्तुति के वसीला से आपको खुदा के रूह को आपने फील किया, और क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। बेसिकली मैं प्रस्तार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं टीम के साथ मिलकर प्रस्तुति करता हूँ। बेसिकली मैं जो
वर्क कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, वो मीटिंग प्रेजाइडर का मैं काम करता हूँ, लेकिन उनके साथ मैं उनके प्रस्तश भी करता हूँ, मैं प्रस्तार नहीं हूँ, लेकिन ये खुदावंद के नाम को जलाल है कि वो अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। तो जब हम प्रस्तश कर रहे होते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि जब हम रूह के साथ खुदावंद के हजूर प्रस्तश करते हैं तो खुदा का अबर्श आता है, खुदा का रूह वहाँ पर जुम्बश करता है, और फिर जब रूह आ जाता है, पाक रूह हमारी मदद करता है, तो फिर हम देखते हैं कि उस प्रस्तश के वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है और लोग उस प्रस्तश के वसीला से जुए के बंदरों से आजाद होते हैं, बदरूहों से आजाद होते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। जी बड़ी जबरदस्त बात है, आपने कहा कि प्रस्तश के वसीला से बंधन टूटते हैं, रूह की मामूरी आ जाती है। जब हम ईमान से चर्च के अंदर जाते हैं तो जब हम प्रस्तश रूह से करते हैं तो यकीनन मेरा ईमान है कि खुदा अपने बंदों को जलाल के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। उसके अलावा फिर जब हम ईमान से खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो यकीनन हम शिफा, निजात, सलामती को हासिल करते हैं। तो आपको ये कह मैं कहना चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को ही आप सॉन्ग सुनाना चाहेंगे। जी मैं गीत सुनाऊंगा आपको, हमारे बहुत ही अजीम परस्तार हैं खुदावंद के आर भट्टी साहब, उनका एक ये बहुत ही मशहूर गीत है कि कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। जी बिल्कुल। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि व्यूअर्स, आज खुदा के बंदे ने, खुदा के बेटे ने आपको बताया कि कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं है मेरे खुदा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम खुदा की राहों पर चलने वाले हों, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। तो आज विकास कंवल साहब, आप हमारे व्यूवर्स को, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि खुदा की हजूरी की तरफ बढ़े हों? जी बिल्कुल, मैं नौजवानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप देखते हैं कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो बेरारवी का शिकार हैं, जी, जो खुदावंद के हजूर उसकी हैकल में नहीं आते, जो उसकी हमदोस्तायश करने की बजाय फिल्मों, ड्रामों और गानों में बिजी रहते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ में। लेकिन जब अगर हम खुदावंद के हजूर आकर अपनी ज़ुबान का, अपने गले का इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो यकीनन खुदावंद खुश होता है और फिर हमारी ज़िंदगी में बरकत भी आती है। तो जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनको यही बात कहना चाहता हूं कि आप बजाय इसकी कि दूसरी एक्टिविटीज़ में आप शिरकत करें, दूसरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को सर्व करें, आप खुदावंद के लिए अपने बदनों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को उसके ताबे कर दें, तो फिर देखें कि खुदावंद किस कदर आपको बरकत देता है और आपकी ज़िंदगी में किस तरह वो जलाली काम करता है। जी वीवर, जैसा कि आपने जाना कि खुदा के बंदा ने आपको बताया
कि आप बुरी रवशों में नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए आपने इस्तेमाल होना है, खुदा के काम करने हैं। कि खुदा नौजवानों को पसंद करता है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे जबरदस्त में थी। तो खुदा आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आज को आपको बरकत देना चाहता है, सलामती से नवाजना चाहता है। ज़रूर कि आप फक्त के उसकी हजूरी में आएँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करें और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। जिस तरह से आप हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करते जाएंगे, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते जाएँ, यकीनन खुदा आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरों में, आपके काम कार्यों में बरकत देगा। इसी के साथ आशिक भट्टी को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस नज़ीर टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।